आफ्टर बुक में पढ़ चुके हैं, अभी मैं ब्लैकबोर्ड में लिख कर बता रही हूँ। देखो ये है वन, वन के बाद क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पर क्या बोला है, कैट इज जस्ट आफ्टर द माउस। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टू इज जस्ट आफ्टर। टू लिखने से पहले क्या लिखते हैं बच्चों, वन लिखते हैं, तो क्या हुआ, टू इज जस्ट आफ्टर वन। देखो टू आने से पहले क्या आता है, वन आता है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, टू इज जस्ट आफ्टर वन। तो यहाँ पर क्या है, देखो कैट इज जस्ट आफ्टर द माउस, कैट, कैट से पहले कौन है, कैट इज जस्ट आफ्टर माउस, माउस के आगे पहले, माउस से पहले कैट है। ऐसे ही आप ये कैट मंकी को आपको कलर करना है, ये माउस के आफ्टर है ना, तो इसको हमने क्या करना है, इसको कलर करना है बच्चों।